हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम गार्डियन एंजल से, हमारे प्यारे प्यारे एंजल से हमारे लिए गाइडेंस मांगेंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि गार्डियन एंजल से हम हमारी हेल्प मांग सकते हैं और हमारी रोज की जो परेशानी है ना, उनको दूर कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के लिए निकालूंगी 3 कार्ड जिनके अंदर छुपे होंगे एंजल्स के आपके लिए गाइडेंस। तो आपके मन में कोई भी ऐसा विचार है, मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, आपका काम पूरा नहीं हो रहा, जिसके रिगार्डिंग आपको एंजल से बात करनी है, उनसे गाइडेंस मांगना है, तो प्लीज़ वो थॉट आपके मन में लेके आइए। अगर आपका मन अभी शांत नहीं है तो 2 मिनट इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और वो एक थॉट आपके मन में लेके आइए जिसका गाइडेंस आपको चाहिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मांगते हैं हमारे प्यारे प्यारे एंजल से हमारा गाइडेंस, ठीक है। So, dear angels, please help me to guide my subscriber with the help of your guidance. So, angels ने हमें पहला कार्ड दिया है, ask for help from others. Okay, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने जीवन में लोगों से हेल्प मांगने में कतराते हैं, हालांकि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप योर वाइब इज़ योर ट्राइब, तो आपके जीवन में आपके जो कोई भी दोस्त है, रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर्स है, यू कैन आस्क फॉर हेल्प, आप उनसे हेल्प मांग सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडीज़ में आपके दोस्तों की या फैमिली मेम्बर्स की हेल्प मांग सकते हो। अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में कलीग की हेल्प मांग सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ हो तो मतलब यू कैन आस्क फॉर हेल्प टू अदर फैमिली मेम्बर्स। हेल्प मांगने में कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर आप हेल्प मांगोगे तो आपके काम पूरे होंगे और आपको आपके काम में सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, नॉट द राइट टाइम। सो निगेटिव चीज़ें सोचने के लिए अभी राइट टाइम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ये काम पूरा नहीं होगा, सो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू थिंक दैट अबाउट दैट थिंग। आपको दूसरों की हेल्प मांगनी चाहिए अगर आपसे कोई काम हो नहीं रहा है। दे विल गिव यू प्रॉपर डायरेक्शन। बहुत बार ऐसे होता है कि कई सारे लोग आपके जीवन में होते हैं, वो एक एंजल बन के आते हैं जिनकी वजह से आपके काम पूरे हो जाते हैं, आपको काम में सक्सेस मिलती है। सो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग निगेटिव के मतलब मेरा काम पूरा नहीं हो रहा हो और मैं अभी ये काम छोड़ दे रहा हूँ या छोड़ दे रही हूँ। जी नहीं, आस्क फॉर अ हेल्प, सीक फॉर अ गाइडेंस और आपको मिल जाएगा। और हमारा लास्ट कार्ड है रोमांस। ओ माय गॉड, ओके। सो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, देर आर अ चांसेस कि आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रोमांस आपको देखने के लिए मिले, प्यार आपको देखने के लिए मिले। आपके जीवन ऐसे हो सकता है कि किसी की सोलमेट के साथ मुलाकात हो जाए, किसी को ट्विन फ्लेम मिल जाए, या फिर मतलब कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है, बहुत दिन से पड़ा है, प्रपोजल पेंडिंग है, तो फिर मतलब आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई आपको प्रपोज कर रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट दैट। और एनी सॉर्ट ऑफ लव जो आपको प्यार दे, रोमांस दे, दैट काइंड ऑफ लव यू कैन फाइंड इन अ नियर बाय फ्यूचर। तो आज की रीडिंग बहुत प्यारी थी दोस्तों, आई होप आप सब लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर ऐसा बात है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, कीप बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइज़।